गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में बात करना चाहते हैं हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या होता है। पिछले लेक्चर में या फिर आपने बेसिक जो भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है तो उसको आपने सर्कुलर फंक्शन बोला होगा, सर्किल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करके दिखाया होगा। यहाँ पे बात हम करना चाहते हैं हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, जो ग्रेजुएशन के मेन सिलेबस की बात की जाती है तो उसमें आपको जो ट्रिग्नोमेट्री में मुख्य रूप से पढ़ना होता है वो आपका होता है हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पे डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले इसकी डिफिनेशन क्या है, जिस तरह से पहले आपने डिफाइन किया था साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टैन कॉस या सेक कॉट, इन सभी के बारे में अपने डिफिनेशन कुछ ने कुछ दिया होगा, वैसे ही हम बात करना चाहते हैं यहाँ पे हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में। सबसे पहले हाइपरबोलिक साइन फंक्शन क्या होता है, तो मैं बात करना चाहता हूँ हाइपरबोलिक साइन फंक्शन। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाइपरबोलिक साइन फंक्शन ऑफ एक्स इज डिनोटेड एज साइन हाइपरबोलिक एक्स, जो रीड करना होता है हाइपरबोलिक साइन एक्स एंड डिफाइंड एज साइन हाइपरबोलिक एक्स या हाइपरबोलिक साइन एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टू, ये आपका डेफिनेशन है। इस तरह से इसको डिनोट करते हैं और ऐसे डिफाइन करते हैं। सेम वे में आपका हाइपरबोलिक कोसाइन फंक्शन क्या होता है, तो इसको भी आप यहाँ पे देख लें। हाइपरबोलिक कोसाइन फंक्शन को हम यहाँ पे ऐसे डिनोट करते हैं और इस तरह से इसको डिफाइन करते हैं, ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टू। तो ये आपका साइन हाइपरबोलिक एक्स का डिफिनेशन है और ये आपका कॉस हाइपरबोलिक या हाइपरबोलिक कॉस एक्स का डिफिनेशन है। यदि ये डिफिनेशन आपको क्लियर है तो आगे और जो भी फॉर्मेट तैयार करने उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे यहां पे देख लीजिए, यहां पे आपका है टैन हाइपरबोलिक एक्स, तो सभी लोग जानते हैं जिस तरह से पहले टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा, वैसे यहां भी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपन कॉस हाइपरबोलिक एक्स हो जाएगा। अगर बात करेंगे काट की तो वन अपॉन टेन हो जाएगा, बात करेंगे सेक की तो वन अपॉन कॉस हो जाएगा, बात करेंगे कोसेक की तो वन अपॉन साइन हो जाएगा। तो जैसे पहले आप करते थे वैसे यहां भी आप कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपके हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, जो सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं वो सभी के सभी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, सभी के सभी आपको यहाँ पे क्या कह रहे हैं दिखाई दे रहे हैं। अब इन फार्मूलों की सहायता से बहुत सारे पार्ट रियल और इमेजिनरी में डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो उसमें आपको हेल्प मिलेगा। तो यहाँ कहीं कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको लग रहा है तो डिस्कशन आप हमारे लाइव क्लास में कर सकते हैं, और यहाँ पे सिर्फ जहाँ पे प्रॉब्लम होगा तो कमेंट के माध्यम से अपनी बातें रख सकते हैं, जिसको मैं एक और वीडियो बना के आपको इस पे जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उसका सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। तो ठीक है, आइए अब हम देखना चाहते हैं कि ये जो हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है और जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जिसे सर्कुलर फंक्शन कहते हैं उनके बीच का रिलेशन क्या होता है, वह रिलेशन जाना जाए और फिर उनकी सहायता से आगे हम क्या करेंगे। कुछ जैसे कि आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन आपने पढ़ा होगा, तो ऐसे ही कुछ फार्मूले और होते हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करना चाहेंगे। तो आइए देखते हैं क्या होता है। आइए बात करना चाहते हैं अब रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक एंड सर्कुलर फंक्शन, मीन्स हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और सर्कुलर फंक्शन मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, जो आपने सिंपल साइन थीटा कॉस थीटा ये सब चीजें पढ़ा है। तो देखते हैं इनके बीच का क्या रिलेशन होता है। तो मैंने यहाँ पे राइट किया साइन आई थीटा इक्वल टू होता है आई साइन हाइपरबोलिक थीटा, और सेकेंड होता है कॉस आई थीटा इक्वल टू होता है कॉस हाइपरबोलिक थीटा, और टेन आई थीटा इक्वल टू होता है आई टेन हाइपरबोलिक थीटा। तो देखेंगे अगर आप ये को प्रूव कर ले जाते ना तो रिमेंस दो को प्रूव करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और इनके सहायता से जो अलग तीन और होते हैं जैसे कि इनके जो तीन अपोजिट होते हैं तो उनको भी आसानी से आप प्रूव कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे इसकी प्रूफिंग होगी। तो देखा जाए, देखिए फर्स्ट पार्ट को मैं यहाँ पे प्रूव करके दिखा रहा हूं, फर्स्ट पार्ट को कैसे प्रूव किया जाएगा। तो आप सबसे पहले जो पीछे जानते हैं, पहले लेक्चर में मैंने इसको बताया था क्या होता था, वी नो दैट ई टू द पावर एक्स इक्वल टू ई टू द पावर सॉरी ई टू द पावर एक्स नहीं, पहले इसको लेते हैं साइन एक्स का, क्योंकि इसकी सहायता से आप प्रूव कर सकते हैं दी आई एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस आई एक्स अपॉन टू आई होता है,
ये मैंने पहले लेक्चर में इसको प्रूव करके दिखाया था। तो मैं क्या करता हूं, इसी में पुट कर देता हूं यक्स इक्वल टू आई थीटा इन एवम। एवम इक्वेशन में आप क्या करें, यक्स इक्वल टू आई थीटा पुट कर देना, ये देखिएगा साइन आई थीटा और इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई टू द पावर आई आई थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस आई आई थीटा अपॉन टू। इसका नेक्स्ट पॉइंट जब सॉल्व करेंगे तो ई टू द पावर आई स्क्वायर जिसकी वैल्यू माइनस वन होती है, माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू प्लस वन होती है और अपॉन टू एक तरह से। और देखिएगा एक काम और है, यहाँ पे टू आई है तो यहां पर टू आई, मैं आई से ऊपर और आई से नीचे पहले मल्टीप्लाई करता हूं। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा आप देखेंगे, यहां पर ई टू द पावर पहले थीटा और माइनस ई टू पावर माइनस थीटा, मैंने कॉमन लिया तो माइनस आया और जब यहां पे इंटू आई और नीचे देखेंगे टू आई का आई में मल्टीप्लाई टू आई स्क्वायर, अब आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, वह माइनस वन इस माइनस को कैंसिल कर देगा तो ये हो जाएगा आई और ई टू द पावर थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस थीटा पॉइंट टू की वैल्यू होता है साइन हाइपरबोलिक थीटा। ई टू द पावर थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस थीटा पॉइंट टू की जो वैल्यू होता है वह साइन हाइपरबोलिक थीटा होता है, आपने अभी कुछ समय पहले देखा है। तो इस तरह से आप प्रूव करके दिखा सकते हैं साइन आई थीटा इक्वल टू आई साइन हाइपरबोलिक थीटा। सेम वे में आप ऐसे ही प्रूव करके दिखा सकते हैं कॉस आई थीटा इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक थीटा और टेन आई थीटा इक्वल टू आई टेन हाइपरबोलिक थीटा। तो ये दोनों फार्मूले आपके लिए बहुत कठिन काम नहीं है, जैसे जिस वे में मैंने प्रूव किया है ऐसे आप भी प्रूव कर सकते हैं। तो देखिएगा सेम वे में जैसे अभी साइन को मैंने प्रूव किया था साइन आई थीटा इक्वल टू आई साइन हाइपरबोलिक थीटा, वैसे ही मैं यहां पर प्रूव करके दिखा सकता हूं कॉस आई थीटा इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक थीटा। आप देख रहे हैं प्रोसीजर सेम, उसका फार्मूला लिखा एक्स इक्वल टू आई थीटा पुट किया, पुट करने के बाद आई स्क्वायर थीटा मीन्स माइनस माइनस आई स्क्वायर प्लस, और ये फार्मूला इसका होता है। तो आपने यहां और टेन को भी प्रूव करना आपके लिए बहुत कठिन काम नहीं है, टेन आई थीटा साइन आई थीटा अपन कॉस आई थीटा, साइन आई थीटा का फार्मूला प्रूव किया था आई साइन हाइपरबोलिक थीटा, कॉस आई थीटा का प्रूव किया है कॉस हाइपरबोलिक थीटा। तो यहां से आपने दिखा दिया कि जो टेन आई थीटा है वह आई टेन हाइपरबोलिक थीटा है, जो इसके रिमेन्स पार्ट है उनको भी करके दिखा सकते हैं। अब सम इम्पॉर्टेंट फार्मूले डिपेंड्स ऑन हाइपरबोलिक फंक्शन क्या क्या होते हैं उनको मैं प्रूव करके दिखा रहा हूं, जिनको आगे आप कैलकुलेशन में यूज करेंगे, जिनको आगे आप कैलकुलेशन में यूज करेंगे तो उसको मैं यहां पे डिफाइन कर रहा हूं, और जिसकी सहायता से आपके जो भी एक्सरसाइज प्रॉब्लम होंगे वो आसानी से सॉल्व हो सकेंगे। तो आइए देखते हैं, तो बात करते हैं जो भी सम इम्पॉर्टेंट फार्मूले थे, वो सम इम्पॉर्टेंट फार्मूले में मैंने इसको डिफिनेशन के द्वारा बताया, डिफिनेशन के द्वारा बताया। तो जब डिफिनेशन में आप इनको अगर इनको ऐड करते हैं कॉस हाइपरबोलिक और साइन हाइपरबोलिक को, तो यहाँ पे ई टू द पावर थीटा आप भी ऐड करके देखेंगे, यह बहुत सिंपल है जैसे पहले किया था, तो यह आ जाएगा और सेपरेट करते हैं इसमें से इसको तो आपको यहाँ पे ई टू द पावर माइनस थीटा मिल जाएगा। तो ये फार्मूले आपको अच्छे से आने चाहिए। अब इनकी सहायता से देखिएगा, मैं इन्हें भी प्रूव करूंगा, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन वन, और यहाँ पे प्लस वन माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा होता है, साइन हाइपरबोलिक टू थीटा इक्वल टू टू साइन हाइपरबोलिक थीटा कॉस हाइपरबोलिक थीटा होता है, और कॉस हाइपरबोलिक टू थीटा इक्वल टू होता है टू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस वन और इक्वल टू वन प्लस टू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, ये होता है। और साथ ही साथ एक और फार्मूला, जैसे कॉस के तीन फार्मूले होते हैं, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया और तीसरा ये होता है कॉस टू कॉस हाइपरबोलिक टू थीटा का कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, ये तीन फार्मूले। तो इन फार्मूलों से देखिए जो भी आपको दिख रहे हैं ये सभी के सभी आपके अगर एग्जाम की बात की जाती है तो उसमें दो नंबर में जरूर पूछा जाता है ये छोटे छोटे फार्मूले। तो आइए इनको मैं प्रूव करके दिखाता हूं इनकी सहायता से। एक बार फिर आप देख लें, यहाँ पे इनकी वैल्यू पहले डिफिनेशन से नोन थी, ऐड किया तो ये आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, आप करके देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इन फार्मूलों की प्रूफिंग कैसे किया जाएगा। देखिएगा फर्स्ट फार्मूले को प्रूव करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा होगा,
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, वन ब्रेकेट ए प्लस बी साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा है तो ए प्लस बी एंड अदर ब्रेकेट में ए माइनस बी, तो ए माइनस बी। अब देखिएगा इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू अभी अभी पीछे आपने देखा था ई टू द पावर थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है ई टू द पावर माइनस थीटा। अगर इनको सॉल्व करें जब प्रोडक्ट कराया जाता है तो पावर सम हो जाते हैं, तो ये देखिएगा ये इसे कैंसिल ई टू द पावर जीरो इसकी वैल्यू वन, और यही इसका राइट हैंड साइड। तो इस तरह से आप प्रूव करके दिखा सकते हैं कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा की वैल्यू वन। पीछे आपने पढ़ा था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन हाई स्कूल में, लेकिन यहाँ हाइपरबोलिक में माइनस होता है, इस बात को आपको ध्यान देना होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें जरूर बताएं, आप लाइव क्लास में आ सकते हैं या फिर ऐसे ही कमेंट के माध्यम से भी डिस्कशन किया जा सकता है। आप कमेंट्स लिखेंगे मैं उसे यूट्यूब वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आइए सेकंड फार्मूला क्या था, सेकंड फार्मूला था आपका साइन हाइपरबोलिक टू थीटा इक्वल टू ये होता है टू साइन हाइपरबोलिक थीटा कॉस हाइपरबोलिक थीटा। तो कैसे प्रूव करेंगे, राइट हैंड साइड ले लीजिए और लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करके दिखा दीजिए, यानी कि राइट हैंड साइड टू साइन हाइपरबोलिक थीटा कॉस हाइपरबोलिक थीटा वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिएगा साइन का भी अभी आपने बताया ई टू द पावर थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस थीटा अपॉन टू होता है, और कॉस का क्या होता है ई टू द पावर थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस थीटा अपॉन टू होता है, पीछे आपने देखा होगा। तो जब ये वैल्यू होता है तो सबसे पहले इस टू से टू को कैंसिल कर दीजिए। अब यहां भी देखिएगा ए माइनस बी ए प्लस बी टाइप का है, मीन्स ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर और अपान नीचे सिर्फ टू बच रहा है। क्या इसको आप ई टू द पावर टू थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस टू थीटा अपॉन टू, आप देखेंगे जब ये प्लस था तो माइनस और सिंगल थीटा था तो थीटा साइन हाइपरबोलिक थीटा में यहां पे माइनस और यहां पे सिंगल थीटा, अगर यहां पे टू थीटा आता है तो इसको लिख सकते हैं आप साइन हाइपरबोलिक टू थीटा। बहुत ही इजी प्रूफिंग है किसी भी और सब के सब, कोई भी एक फार्मूला आपके एग्जाम में दो नंबर में पूछे जाते हैं। तो कहीं कोई भी डिस्कशन करने की बात हो लाइव क्लास है, और लाइव क्लास के साथ साथ आप हमारे क्लास में भी आके डिस्कस कर सकते हैं, नहीं आ सकते तो कमेंट के माध्यम से भी आप अपनी बातें रख सकते हैं। आई थर्ड फार्मूला कॉस टू थीटा इक्वल टू जो होता है आपका टू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस वन, अथवा टू वन माइनस टू वन प्लस होता है, माइनस नहीं होता है, वन प्लस टू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, और साथ ही साथ एक थर्ड फार्मूला होता है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। इसको मैं प्रूव करके दिखाता हूं, और फिर आज के इस क्लास में इतना ही रहेगा। और ये फार्मूले सभी जो भी फर्स्ट और सेकंड लेक्चर करेंगे, मैं जो भी थर्ड लेक्चर में एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा वो सब के सब समझ में आपको आएगा। तो इन फार्मूलों को आपको अच्छे से रीड भी करना होगा, साथ ही साथ प्रूफिंग भी आनी चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएशन में केवल लर्न करने से काम चलने वाला नहीं है, केवल आप फार्मूलों को रट लें इससे काम चलने वाला नहीं है, आपको उसको समझना भी होगा। क्यों? क्योंकि आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं। देखिए कॉस हाइपरबोलिक टू थीटा के जो थ्री फार्मूले हैं उसमें से मैं करके दिखा रहा हूं, और रिमेंस दो आप ऐसे ही कर लें। तो यहां पे कॉस हाइपरबोलिक टू थीटा इक्वल टू प्रूव करके दिखाना है टू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस वन, मैंने राइट हैंड साइड को ले लिया और लेफ्ट हैंड साइड को ला के दिखा रहा हूं। देखेंगे टू कॉस हाइपरबोलिक थीटा का फार्मूला था ई टू द पावर थीटा ई टू द पावर माइनस थीटा अपॉन टू होल स्क्वायर, क्यों होल स्क्वायर है माइनस वन, यहाँ पे देखेंगे टू यहाँ पे इंटू ई टू द पावर थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस थीटा होल स्क्वायर अपॉन फोर माइनस वन, यहाँ पे देखिएगा टू टू जब क्या हो जाएगा फोर कैंसिल होगा इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस टू ए बी टू ए बी अपॉन टू, और देखिएगा आगे जगह नहीं है तो माइनस वन मैं नीचे लिख दे रहा हूं, आगे जगह न होने के कारण ये जो माइनस वन यहाँ है यहाँ पे लिखना चाहिए, जगह नहीं है तो मैं नीचे उसको लिख दिया हूं, और उसके बाद से आप यहाँ पे इंटू पावर टू थीटा और प्लस ई टू द पावर माइनस टू थीटा ये प्लस टू ई टू द पावर थीटा ई टू द पावर माइनस थीटा इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वन आ जाएगा, तो इसको इंटू वन अपॉन टू माइनस वन है, ये माइनस वन था तो इस माइनस वन को क्या आप डायरेक्टली माइनस टू लिख सकते हैं, टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास होती है ई टू द पावर टू थीटा
प्लस ई टू द पावर माइनस टू थीटा अपॉन टू, और जिसका फार्मूला होता है कॉस हाइपरबोलिक टू थीटा। तो इस तरह से आपने यहां पे प्रूव करके दिखा दिया, और ऐसे ही हर एक जो पार्ट है इस कॉस टू थीटा का, कॉस हाइपरबोलिक टू थीटा का फार्मूला का, उसमें आप प्रूव करके दिखा सकते हैं सेम वे में। तो बस इस लेक्चर में इतना ही रहेगा, और जो भी इससे रिलेटेड जो भी फार्मूले फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में मैंने डिस्क्राइब किया है, तो आप इसको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज से क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम यूज करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।